नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीवी मंत्रा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद पावर ग्रिड की क्लासेज हुई थी, उसके बाद अब रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट क्लासेज शुरू करेंगे। हालांकि रेलवे के लिए पुराने पेपर का सॉल्यूशन करवा के 2-3 क्लासेज अपलोड की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा और क्लासेज बंद करनी पड़ी। लेकिन अब फिर से एक नए जोश के साथ क्लासेज शुरू करेंगे और अब उन बच्चों के लिए क्लासेज होगी जो पढ़ने वाले हैं। नहीं पढ़ने वाले तो न 2022 में सिलेक्ट हुए, न 2023 में सिलेक्ट हुए, न 2024 में सिलेक्ट होंगे, लेकिन जो पढ़ते हैं बच्चे वो जरूर सिलेक्ट होते हैं। और आप शुरुआत कीजिए, यानी कि रेलवे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और 2024 आपके लिए वैकेंसी वाला वर्ष है, 2024 आपके लिए सक्सेस वाला और सिलेक्शन वाला वर्ष बनने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई है। आपके सामने ऑप्शन है रेलवे ALP, रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे की AR जो RPF की वैकेंसी है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, उसमें भी आपने शायद अप्लाई किया होगा। रनिंग और फिजिकल आपका यदि अच्छा है तो सबका सिलेबस कॉमन है, आप एक बार तैयारी करके देखिए, एग्ज़ाम आपके पास हो जाएंगे। उसके बाद आपके SSC CHSL किसी बच्चे ने अप्लाई किया होगा, यदि नहीं किया तो केवल ITI वालों के लिए बात करूं, दिल्ली मेट्रो में वैकेंसी आने वाली है, राजस्थान उत्पादन में वैकेंसी आने वाली है, कई ऐसे ऑप्शन आपके सामने हैं, तो तैयारी कर दीजिए। 2024 आपके लिए फिर से सिलेक्शन वाला ईयर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम काफ़ी हो चुका है तो इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा देना पड़ेगा, लेकिन आज के इस वीडियो से बात करते हैं। चाहे रेलवे ALP हो चाहे रेलवे टेक्नीशियन, क्यों टेक्नीशियन और ALP दोनों क्यों लिखा है मैंने, टेक्नीशियन टेक्निकल लिखा है लेकिन टेक्नीशियन दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों का CBT 1 CBT 2 सेम है। टेक्नीशियन में केवल CBT 1 होगा और ALP में 2 CBT होने वाले हैं। तो साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बच्चों को एक्सप्लेन करना पसंद नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सीधा क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, एक्सप्लेन मत करो, 4 क्वेश्चन को इतना मत समझाओ, लेकिन हमें 40 क्वेश्चन करवा दो। तो हम उन बच्चों को 40 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए और फ्रेंड सर्किल में आप कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट, रेलवे के साइंस की क्वेश्चंस की हम PDF बना रहे हैं। साइंस की क्वेश्चन में क्या है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो आपको PDF मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही PDF बन जाएगी आपको अपडेट देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? अब देखिए, एक कोपरनिकस है, उन्होंने कथन दिया कि सूर्य है और पृथ्वी है और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात किसने की, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर बताना है। वन लाइनर है, स्पीड से पढ़ेंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, यानी कि ग्रह सोलर के बारे में किसने, तो केपलर। ये क्वेश्चन मैं आपको कह दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो पूछा जाएगा ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। आपके तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा, यानी कि सूर्य चमकते हैं, तारे सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, तो इसका आपके नाभिकीय संलयन, आपने क्रियाएं पढ़ी होगी नाभिकीय विखंडन संलयन, तो इस ये आपके सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में हमने पढ़ा है कि हीलियम गैस होती है, उसका आपकी संलयन और विखंडन होता है, उससे प्रकाश बनता है, तो आपने पढ़ा होगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, एड्स का बीमारी फैलाता है, एड्स बीमारी किससे फैलती है, तो वायरस से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वायरस से फैली जाती है या फिर आपकी जीवाणु से फैली जाती है, विषाणु से फैली जाती है, ऐसे करके ऑप्शन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वायरस से आपके एड्स फैलता है। यदि एड्स दिवस पूछे तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस आपको पता है सेलिब्रेट होता है, एड्स के बारे में आपको जागरूक किया जाता है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो टॉक्सिन कहते हैं, सबको पता है, कोई गलत नहीं करने वाला। यदि आपको वन लाइनर की सीरीज पसंद आई तो आप बताइए, या फिर क्या हम सुधार कर सकते हैं वो भी आपको बताना है, कि माइक की स्पीड कैसी है, बोलने का तरीका, एक्सप्लेन करने का, जो भी कमी आपको लगे बताइए, जो आपको अच्छा लगे वो भी बताइए। कमेंट आपके लिए खुले हैं, हम एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और आपका लिए रोज आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, तो वेंचुरी मीटर आपको एमीटर, मल्टीमीटर, वोल्टमीटर, लेक्टोमीटर,
पायरोमीटर, इन मीटर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल के प्रवाह की दर को आपके वेंचुरी मीटर से देखते हैं। पायरोमीटर पूछे तो पायरोमीटर आपको दो ऑप्शन देना है, एक तो हाई टेम्परेचर मापन के लिए करते हैं हाई टेम्परेचर, दूसरा यदि हाई टेम्परेचर का ऑप्शन ना हो तो एक ऑप्शन आता है कि जो भट्टी होती है ना, परमाणु भट्टी या फिर इस प्रकार की जो भट्टियां होती है उनके टेम्परेचर, भट्टी का टेम्परेचर हाई होता है तो वो भी ऑप्शन आ सकता है कि भट्टी के टेम्परेचर को पायरोमीटर से। टेकोमीटर आए तो टेकोमीटर आपको ध्यान रखना है, टेकोमीटर होती है जो मोटर की आरपीएम होती है ना उसको चेक करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन कोई नहीं बताएगा आपको, हम बता रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या है, पीएच का, पीएच मान का निर्धारण किसने किया, तो पीएच मान का निर्धारण आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं बता दूं, पीएच मान का निर्धारण 1909 में किया गया। पीएच स्केल कब बना, तो 1909 में पीएच स्केल बना। किसने बनाया, सोरेनसन ने, सोरेनसन ने पीएच स्केल बनाया 1909 में। और इसमें 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 0 से 7 का मतलब है आपके अम्लीय, 7 का मतलब है उदासीन, और 7.1 से 14 तक का मतलब है क्षारीय प्रकृति का, ये आपके है। तो आगे देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया, एक जीन और एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन इसमें अधूरा है शायद, यानी कि इसका आंसर नहीं छपा है, तो आप इसे गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके नाभिकीय संलयन है, और लो ऑफ प्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया, तो सो लो ऑफ प्लोटिंग आर्कमिडीज है, आर्कमिडीज का जो सिद्धांत है वो आपसे पूछा जाता है। फ्लोटिंग यानी कि पानी में जो द्रव्यमान वाली वस्तु डुबोते हैं, आपको एक डायग्राम आया होगा दिमाग में। आर्कमिडीज सिद्धांत हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पूछा गया है, पढ़ लीजिए। पौधे भी जीवन होता है किसने बताया, तो ये आपके जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पौधे में भी जीवन होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, लोहे में जैसी जंग लगेगा उसका भार बढ़ जाता है, और पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करके लोहे में जंग लग जाता है, और इससे बचने के लिए लोहे पर परत चढ़ाई जाती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये कौन सी परत होती है, इसे क्या कहते हैं, वो भी आप ध्यान रखिए। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती, यानी कि दिन कम होते, दिन छोटे होते। आगे कह रहे दिन की अवधि यानी कि दिनों की संख्या, और ये पूछ रहा है तो आपकी कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि झरने में जैसी ऊंचाई से जल गिरेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपने ध्यान होगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत रॉकेट साइंस का सिद्धांत है, संवेग संरक्षण। तो इसे आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आगे देखिए, विटामिन B6 की कमी से मानव में रोग होता है रक्त अल्पता, और यदि आपसे पूछे विटामिन ए से तो ये आपके रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। ये पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था CBT 1 में, ALP टेक्नीशियन में 2018 में। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। आगे है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का BP यानी कि रक्तचाप कितना होता है, तो ये बढ़ जाता है, दौड़ लगाते समय वक्त बढ़ जाता है, और कई जगह आपके कम हो जाता है, वो भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने HP लिख दिया, BP, तो ये BP आपको ध्यान रखना है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, तो लोहा होता है हीमोग्लोबिन में, ये भी आप ध्यान रखें। सफेद हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, और ये RBC में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। RBC का प्लीहा, RBC का कब्रिस्तान, RBC के बारे में 120 दिन का समय अवधि, ये पढ़ लीजिए आप। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, तो सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, ये आपको पता होगा, और प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ये सारी जल 6 अवयव है, इनको लेने से हमारे शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, आपने पढ़े होंगे। मानव शरीर का सब सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, यदि सेंटीग्रेड में पूछे तो आपको ध्यान रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फेरेनहाइट में पूछे तो वो भी मैं आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, 98.4, ये आपको फेरेनहाइट भी ध्यान रखना है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन आपके प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय BP बढ़ जाता है, हीमोग्लोबिन ये पढ़ा दिया। आगे देखिए, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का हम जो भाग खाते हैं वो तना होता है। एड्स बीमारी किससे फैलती है, मैंने बताया बीमारी वायरस से फैलती है, और 1 दिसंबर को आपके एड्स दिवस होता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये ना क्वेश्चन PDF में टाइप किए थे, फिर वहाँ से स्क्रीन शॉट ले लिया ना, उसकी वजह से हो रहा है, कोई ना, हम एडजस्ट कर लेंगे, 2 बार पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा याद होगा। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल दिन में होता है, क्योंकि उसमें सूर्य चाहिए होता है, सूर्य की ऊर्जा, और वो केवल सूर्य का प्रकाश दिन में ही मिलता है। किसकी कमी से रक्तहीनता रोग होता है, तो रक्तहीनता आपके आयरन, याद होगा आपको आयरन की कमी से होता है।
मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत, तो ये पैर की जो हड्डी होती है ना वो होती है सबसे मजबूत फीमर, और यदि सबसे छोटी पूछे तो स्टेपिज आपको पता होगा कान की सबसे छोटी, तो ये सारे पढ़ लीजिए। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये आपके लीवर का रोग है, यकृत का रोग होता है लीवर का, इसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। कहाँ होता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, अदरक का तना खाते हैं, और आलू का कौन सा खाते हैं, अभी मैंने बताया ये आलू का भी तना अदरक का भी तना, तो ये आप ध्यान रखें। जीराविक सेवन क्या है, ये क्वेश्चन वो है जो यानी कि पुराने पेपर में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने जब YouTube चैनल शुरू किया था 2022 में उस टाइम साइंस की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था, उस टाइम जीराविक सेवन का सफल परीक्षण पहली बार किया गया था शायद 2021-22 में, तो उस टाइम मैंने पढ़ाया था। ये एक आर्टिफिशियल हार्ट होता है यानी कि आर्टिफिशियल कृत्रिम हृदय होता है जीराविक सेवन, चीन ने इसका सफल परीक्षण किया था ये मुझे याद है, तो आप पुरानी क्लासेज भी पढ़ सकते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपके मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाता है। आगे है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, केवल दिन में, और ये क्वेश्चन हो गए। अब देखिए इतनी फास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि लाइक शेयर करके हमारी ऑडियंस बढ़ा दीजिए, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा व्यूज उतने ज़्यादा हम मोटिवेट, और जितने ज़्यादा हम मोटिवेट उतने ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन वीडियोज, तो आप सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे आप हमारा कीजिए, साथ मिलकर आगे चढ़ते हैं। जो हमारा स्वार्थ है आपको भी बताए, हर यूट्यूबर को हर क्रिएटर को क्या चाहिए, व्यूज चाहिए लाइक चाहिए तो वो आप हमें दीजिए, और हर स्टूडेंट को क्वेश्चन चाहिए वीडियो चाहिए वो हम आपको देंगे। कोशिका शब्द का निर्माण किया है रॉबर्ट हुक ने, और यदि आपसे पूछ लिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है तो वो आपको बताना है कमेंट में कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस शब्द का निर्माण किया है। बेरी बेरी रोग किसकी कमी होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। हेजा रोग का वाहक कौन है, घरेलू मक्खी हेजा की है, और कौन सा ऐसा खाया जाता है, अभी मैंने बताया तना खाते हैं अदरक में। फिर आगे देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। विकास का मुख्य कारक क्या है, यानी कि विकास को देखते हैं तो प्राकृतिक वर्ण के आधार पर विकास को देखा जाता है, विकास का मुख्य आधार, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन है रबड़ का कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो ये सल्फर होता है, सल्फर को मिलाकर हम रबड़ का कड़ा करते हैं। अब ध्यान रखिए रबड़ को कड़ा करना मतलब होता है रबड़ को कठोर बनाना, और कठोर बनाने के लिए सल्फर का यूज किया जाता है। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये ऑक्साइड प्रकृति में पाए जाते हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन वन लाइनर है इसलिए पसंद आ रहे हैं, यदि वन लाइनर पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बना दूंगा, तो यानी कि मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बनाऊंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, फिर आंसर बताऊंगा और 1-2 लाइन आपको एक्सप्लेन कर देंगे, हर तरीके से क्लास आपको करवाएंगे, साइंस मैथ पर फोकस करेंगे। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो 20 दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं, टोटल कितने होते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, 28 से 32 होते हैं, किस एज में कितने होते हैं, कौन कौन से कितने होते हैं, चवर्णक अग्रचवर्णक वो भी आपको ध्यान रखना है। हर गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, जीन संरक्षण के लिए हर गोविंद को। सर्वव्यापी रक्तदाता कौन है, तो वो सर्वदाता है और सर्वग्राही ए भी है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, कार्बिक अम्ल, और विटामिन यदि ए का पूछे तो, बी का पूछे तो, सी का, डी का, सारों का पूछा जा सकता है, तो पढ़ लीजिए। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन, और मीथेन का यानी कि ऑप्शन ये भी बन सकता है CH4, इसकी जो रासायनिक नाम होता है वो भी होता है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये विकिरण का उद्दीपन सिद्धांत पर कार्य करती है। कार्ट्रिज घड़ियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, ये दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत मोटर जनरेटर फेराडे के नियम पर काम करते हैं। परमाणु घड़ी आपकी किस सिद्धांत पर काम करती हैं, तो परमाणु घड़ी भी आपकी आगे आंसर आ जाएगा, इसका ध्यान रख लीजिए। ग्रहों की गति का मैंने बताया केपलर, सूरज का नाभिकीय और लॉ ऑफ आर्किमिडीज, फिर से सेम रिपीट हुआ है। आनुवंशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन सा है, तो डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सी फुल फॉर्म होती है, कमेंट में आप बताएंगे। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका बीपी, सोते समय बीपी घट जाता है, लो होता है बीपी, और दौड़ते समय हाई होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया, बीडम व टेटम ने, ये देखिए ये वहाँ क्वेश्चन इसका आंसर नहीं था, यहाँ आंसर है तो पढ़ लीजिए। बीडम व टेटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया। दर्पण को चमक देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, ये आपका है एक लेंस,
लेंस वो होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। और दर्पण में क्या होता है, दर्पण में यदि आप देखेंगे तो उसके आर पार तो नहीं देखा जा सकता क्योंकि पारदर्शी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप देखते हैं तो आपका एक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हम लेंस को दर्पण बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लेंस के एक साइड आप सिल्वर नाइट्रेट का कलर कर देंगे, यानी कि उसका वो कर देंगे, यानी कि पूरी ब्रश फेर देंगे सिल्वर नाइट्रेट का, तो आपको वो दर्पण बन जाएगा। तो यही होता है, यहाँ पूछा है कि दर्पण को चमक के लिए क्या करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट आपका यूज करते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वायुमंडलीय दाब आपको पता है हाई, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी घटता जाता है। फिर आगे देखिए, आपके पास्चुराइजेशन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट तक जल या दूध को गर्म करना। यदि आपसे पूछे किस प्रक्रिया में टेम्परेचर कितना रखना चाहिए, आपके 62 डिग्री कितना समय है, तो 20 मिनट वो आपको ध्यान रखना है। किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, मेंढक के, और मानव के हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। पेप्सिन क्या है, तो ये मैंने आपको पहले करवा दिया है, ध्यान रखना है। बीसीजी का टीका दिया जाता है 6 रोग यानी कि टीबी के बचाव के लिए, कौन सा टीका होता है, तो आपको ध्यान रखना है बीसीजी। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है, तो कुष्ठ रोग सबसे तेज फैलने वाली है। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन के है, जो घावों को जल्दी भर देता है। आगे है कि उत्प्लावकता सिद्धांत संबंधित है, आर्कमिडीज से उत्प्लावकता वो पानी वाला ही है, मैंने आपको बताया था पहले। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो ये डोपलर प्रभाव है, ध्वनि में की फ्रिक्वेंसी में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे डोपलर बोलते हैं, डोपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो ये आपकी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। और आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर जनरेटर फैराडे के सिद्धांत पर, और आपकी परमाणु घड़ी, ये उस टाइम आंसर नहीं बताया था मैंने, परमाणु घड़ी आपके पीजो इलेक्ट्रिक सिद्धांत पर काम करती है, न्यूक्लियर जो वाच होती है पीजो इलेक्ट्रिक पर काम करती है। लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, तो ये पृथ्वी की आयु वाला आपको बताना है। और मैं आपको बता दूं कि जो पुराने जीवाश्म है उसकी आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो डेंटिंग पद्धति का उपयोग होता है, रेडियो डेंटिंग पद्धति, डेंटिंग बोलते हैं उसे, रेडियो डेंटिंग पद्धति से जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। डायनासोर या उनके जीवाश्म होते हैं ना, उनकी आयु ज्ञात करने के लिए हम करते हैं रेडियो। पृथ्वी वाला आपको कमेंट करना है। अब जिनका जिनका मैंने आंसर नहीं बताया है उनके आपको आंसर कमेंट में करने हैं। लॉन्च आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कब लॉन्च है, YouTube पर बता देंगे वीडियो बनाकर। आपको इस वीडियो को शेयर करना है और आपको क्या पसंद आया है, क्या तरीका अच्छा लगा है आपको बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सब्सक्राइब कर लीजिए, रेलवे के पुराने पेपर भी करवाएंगे, CBT 1 CBT 2 सारे करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।